नाथ में उस स्थान पर जहां भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले विपाशना का उपदेश दिया था। विपाशना बुद्ध के द्वारा इस मानवता को प्रदान किया गया अद्भुत ध्यान सिस्टम है, मेडिटेशन का एक ऐसा सिस्टम जो वास्तव में बहुत अंदर बहुत गहरे तक ले जाता है। बुद्ध ने हमें बताया कि ये जो हमारा मन है ये मूलतः राग और द्वेष में ही चलता है, कभी राग की तरफ जाता है कभी द्वेष की तरफ जाता है। मन बुद्धि अहंकार इन तीनों को मिलाकर हम चित्त कहते हैं, और ये मन बुद्धि अहंकार उस एक ही चीज के तीन नाम हैं, या ये कहें कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई तीन परतें हैं जिनके अलग अलग एक्शंस होते हैं। बुद्ध ने बहुत बारीक विवेचन करके बताया कि जब किसी चीज को आप देखते हैं, कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट जब आपकी निगाह में आता है, आप तक पहुंचता है, तो मन उसे रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद मन अपने ही एक हायर वर्जन यानी कि बुद्धि को उसे प्रस्तुत करता है, और वो बुद्धि जो आपका मेमोरी का भंडार है उसके आधार पर एनालाइज करके लेबलिंग करती है कि ये अच्छा है या बुरा है, और उस लेबलिंग के आधार पर जो अहम है, जो कि मन का एक और ऊपर का वर्जन है ईगो, वो उस लेबलिंग के आधार पर रागात्मक या द्वेषात्मक रिएक्शन देता है। यानी कि जो बात अच्छी है जिसकी लेबलिंग ये हुई कि इट इज गुड, रागात्मक है तो उस पर रागात्मक रिएक्शन, और अगर द्वेषात्मक है तो द्वेषात्मक रिएक्शन। और ये जो प्रतिक्रिया है ईगो की, ये पुनः आपके भीतर आपके अंतरतम के गहन तलों में संस्कार के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो इस तरह से संस्कारों की चेन बेड़ियां नित प्रतिदिन बनती ही रहती हैं और मनुष्य को जकड़े रहती हैं। यहां सारनाथ में भगवान बुद्ध ने बताया कि जब तक आप राग द्वेष से हटकर चीजों को एज इट इज यथा भूत दर्शनम जैसी हैं वैसे नहीं देखेंगे, तब तक आप इन संस्कारों की बेड़ियों से मुक्त नहीं होंगे और आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करेंगे। इसके लिए विपाशना ध्यान पद्धति उन्होंने सबके सामने रखी, जिसके प्रथम चरण में ये जो एक वोलेटाइल मन है, मन बुद्धि अहंकार का जो एक बहुत तीव्रतम रूप है, जो चीजों को बहुत तेज गति से स्वयं मूव करते हुए ग्रहण करता है, उसको स्थिर करने का प्रयास किया, और उसके लिए उन्होंने श्वास का अवलंबन दिया। श्वास एक ऐसा सेंस ऑब्जेक्ट है जिसके प्रति स्मृति में मेमोरीज में कोई भी राग द्वेष का स्मरण आपके भीतर मौजूद नहीं है। तो श्वास को जब मन रिसीव करता है, श्वास को ऑब्जर्व करता है, बुद्धि उसे देखती है, कोई रिएक्शन नहीं देती है, कोई लेबलिंग नहीं करती है, ईगो भी उस पर कोई लेबलिंग नहीं करता है, और धीरे धीरे श्वास को ऑब्जर्व करते करते, श्वास को देखते देखते, ये चित्त मन बुद्धि अहंकार जिसको हम सम्मिलित रूप से चित्त कहते हैं, वो स्थिर होता जाता है, और जैसे जैसे स्थिर होता है वैसे वैसे शार्प हो जाता है। जब हम कहते हैं एकाग्र चित्त, तो एकाग्र चित्त का मतलब यह है कि ये जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इसका हिलन डोलन बंद हो गया है और अब ये एकाग्र हो गई है, पूरी एक बीम बन गई है। और जब इस एकाग्र चित्त को बुद्ध की विपाशना पद्धति के तहत हम भिन्न भिन्न जगहों पर फोकस करते हैं, जैसे कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर, तो हम पाते हैं कि ये शरीर वस्तुतः अनित्य है, ये तरंगों से बना है। हर चीज, हर संवेदना जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है वो अनित्य है। हम उसे एकाग्र चित्त को फोकस करके जानते जाते हैं और ये अनित्यता का बोध हमें मुक्त करता जाता है। और जब हम इसी एकाग्र चित्त को, जो और सूक्ष्म हो गया है,
उसे जब भावनाओं पर फोकस करते हैं तो पाते हैं कि इमोशंस भी अनित्य हैं, और इस अनित्यता का बढ़ता हुआ बोध एक हाइटेंड फ्रीडम की स्थिति में आपको ले आता है। जो दृष्टा इसको देख रहा है, जो दृष्टा इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहा है, वो मुक्ति का अनुभव करता है। तो भगवान बुद्ध ने यह एक बहुत ही विशिष्ट ध्यान पद्धति विपाशना का विश्व में सर्वप्रथम संदेश दिया था 2500 वर्ष पूर्व। विपाशना को व्यवस्थित रूप से सीखना चाहिए, उसके लिए विपाशना के बहुत सारे केंद्र हैं जहां जाकर 10 दिन की प्रारंभिक साधना करके उसकी शिक्षा दीक्षा आप ले सकते हैं। अद्भुत है, बुद्ध के बताए मार्ग पर चलें, जीवन को आनंद से, उत्साह से और स्वतंत्रता से भरें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।